देखिए अब जामिया के अंदर वीसी के बगैर परमिशन के कैंपस में घुस गए और यहाँ तक के लड़कों को भी मारा और लड़कियों को भी मारा, उनके साथ जुल्म किया, आज़ादी की है। वैसे ही अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में, वो भी वहाँ भी वीसी की नहीं मानी, किसी की नहीं मानी, कैंपस के अंदर पुलिस घुस गई और वहाँ जाकर लाठीचार्ज किया। तो इस तरीके से ये ताकत के बलबूते पर हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, ताकत के बलबूते पर हुक्मरानी नहीं करने दी जाएगी। देश जो है वो कानून से चलेगा, कानून के सहारे से, कानून के ज़रिए से हिंदुस्तान चलेगा। अगर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो आज देखिए कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर बगावत फैली हुई है, आगे लग रही हैं, लोग जेलों में जा रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं, लाठी चार्ज कर रहे हैं, किसी की इज्जत और जान महफूज नहीं है इस वक्त देश के अंदर। तो इसलिए ज़रूरी हो गया है कि हम संविधान बचाने के लिए और देश बचाने के लिए, हमारा नारा है कि संविधान बचाओ देश बचाओ, उसके लिए हम लड़ रहे हैं। ये देश चूंकि सबका है, सिर्फ चंद बीजेपी के लोगों का देश नहीं है। जब हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी जा रही थी हिंदुस्तान की आज़ादी की, तो तभी आरएसएस वाले कहाँ थे, तब हम लोग फांसियों पर लटक रहे थे और हम कुर्बानियाँ दे रहे थे, सीने पे गोलियाँ खा रहे थे, जेलें काट रहे थे, उस वक्त तो हम थे। और आज ये हिंदुस्तान के मालिक ये हो गए,